आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट पीरियड वी लर्न टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू हैव लर्न अलॉट फ्रॉम इट। टुडे वी आर हेयर टू लर्न वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेस्ड ऑन इट। आर यू रेडी फॉर इट? आप लोग रेडी हो ना इसके लिए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन का कुछ नए तरीके पढ़ेंगे। हेयर लास्ट टाइम वी हैड मल्टीप्लीकेशन ओनली। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लीकेशन का सिंपल तरीका सीखा था। दैट दिस टाइम यू विल बी अ गिवन क्वेश्चन इन वर्ड एंड यू हैव टू सॉल्व इट। इट इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। इफ वन पेंसिल इज ₹6, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 3 सच पेंसिल? अगर एक पेंसिल की कीमत ₹6 है तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ओ, पेंसिल आर जंपिंग, लुक सो फैबुलस, है ना? बहुत अच्छी दिख रही है ना पेंसिल जंप करते हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर एक पेंसिल की कीमत ₹6 है तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो बच्चों आप बता सकते हो अपना माइक अनम्यूट करके कि 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? टेल मी हाउ मेनी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल। आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। तीन पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ₹18 होगी। वी हैव राइट 6 एंड एड इट 3 टाइम्स। हमने क्या किया, 6 के हिसाब से उसको 3 बार जमा किया। दैट्स मीन 6 जमा 6 जमा 6 बराबर 18। सो 3 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ₹18 होगी। हाँ, ₹18 होगी। तो इट इज एन एडिशन फॉर्म। अभी ये जो दिया गया है ना, ये क्या है, इट इज अ एडिशन फॉर्म है। इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड मेकिंग इट्स लेंथी, व्हाट वी कैन यूज, अगर जैसे ये जमा करने पर हमको इसकी कीमत पता चली है, इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जमा की जगह हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमें आंसर मिलेगा 18? ठीक है, वेरी गुड, पहाड़े पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, वी डूइंग अ मल्टीप्लीकेशन। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज वन पेंसिल रुपीज इज 6, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 6, और बाय 3 पेंसिल द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज 18। मतलब 6 पेंसिल, ₹6 के हिसाब से 3 पेंसिल खरीदी गई है तो उसके पैसे कितने होंगे? ₹18 होंगे। हम किससे पता चला ये? मल्टीप्लीकेशन, मिरेकल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हियर ऑफ वन पेंसिल इज 6 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल। हमने यहाँ पे क्या पता किया कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है? ₹6 है, और हमें कितनी पेंसिल की कीमत पता करना है? 3 पेंसिल की कीमत पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। किससे किया? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज बिकम 18, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो टुडे वी लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को उर्दू में हम क्या कहते हैं? ज़रब कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन, राइट? लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। हियर ही इज अ चिंटू। ये कौन है? चिंटू है। ही इज अ गुड बॉय एंड एवरीवन लव्स हिम। His friend Mustafa has a birthday today. अब इसके दोस्त मुस्तफा का क्या है? बर्थडे है। ये कौन है? चिंटू है। चिंटू है, चिंटू के दोस्त मुस्तफा का क्या है आज? बर्थडे है। तो उसने क्या सोचा चिंटू ने, कि ना मैं अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट में क्या दूंगा? पेन दूंगा। कितनी पेन देगा वो? 6 पेन। चिंटू 6 पेन अपने दोस्त मुस्तफा के लिए उसने सिलेक्ट किया कि मैं 6 पेन एज अ गिफ्ट उसको दूंगा। सो लेट्स सी हाउ मेनी मनी वेंट फ्रॉम चिंटूज पॉकेट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि चिंटू के पॉकेट से कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को भी, देखो आपका बर्थडे वगैरह रहता है तो आप लोगों को भी क्या मिलता है, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना, आपके दोस्त देते हैं, टीचर्स, अरे दोस्त देते हैं,
पेरेंट्स देते हैं तो आपको क्या होती है, इससे बहुत खुशी होती है। उसी तरह यहाँ पे चिंटू ने क्या किया, अपने दोस्त मुस्तफा को गिफ्ट देने का इरादा किया। सो फर्स्ट टेल मी स्टूडेंट, हाउ मेनी पेंस डिड चिंटू बाय? चिंटू ने कितने पेन खरीदा अपने दोस्त मुस्तफा के लिए, कोई बताएगा? वेरी गुड, चिंटू बॉट अ सिक्स पेन, सो वी विल राइट सिक्स फर्स्ट। ओके, सिक्स पेन, ही बॉट अ सिक्स पेन। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत कितनी है? 6 रुपए की। एक पेन की कीमत कितनी है, कोई बताएगा? 6 रुपए की। उसने 6 पेन खरीदा है बच्चों, उसकी और किसके हिसाब से खरीदा है, 5 रुपए की एक पेन है। सो कॉस्ट ऑफ द वन पेन इज अ 5, सो वी विल राइट हियर 5। ओके, नाउ वी डूइंग अ मल्टीप्लीकेशन, सो वी एड द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हियर, मल्टीप्लाई 6 by 5, तो हमें क्या करना है? सो दीज टू एस्पेक्ट्स प्ले वेरी वाइटल रोल इन ऑर्डर टू गेट राइट आंसर। ये जो दोनों है ना, 6 and 5, ये जो है ना 6 and 5, इसका बहुत ही अहम रोल है। जब तक हम इसको ऑर्डर में नहीं करते हैं, अगर हम इसको ऑर्डर में सही तरीके से नहीं लिखते तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। हेयर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट वी मस्ट टेक द 5 times टेबल अप टू 5 sixes, सो मल्टीप्लाई 6 by 5, सो वी रीड द टेबल, कोई बताएगा? रीड 5 6 जा, कोई बताएगा? 5 6 जा 5 1 5 1 जा 5, राइट, 5 6 जा 30, द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन इज अ 30, सो वी विल राइट हियर 30, क्योंकि पूरे पेन की कीमत कितनी है, 30 है। उर्दू में हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसे पेन, चिंटू ने कितनी पेन खरीदा था, 6 पेन लिया उसने, और एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है, तो हम इसको क्या करेंगे, फुल कीमत पता करने के लिए 6 को 5 से क्या करेंगे, जरब करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया, 30 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, सो द अमाउंट स्पेंड बाय चिंटू इज ₹30, सच अ बिग अमाउंट, लिटरली चिंटू हैव अ बिग हार्ट, सही है ना? अभी आप लोग भी छोटे हो, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आपकी पॉकेट मनी से देते हो, तो चिंटू ने भी क्या किया, अपनी पॉकेट मनी से अपने दोस्त मुस्तफा को क्या किया, गिफ्ट दिया। उसका दिल कितना बड़ा है। और इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए, तोहफे वगैरह देने चाहिए और लेने चाहिए, इससे क्या होते हैं, आपसी ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। ये आप लोगों को समझ में आया ना, हैव यू अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? सो चलिए स्टूडेंट, हाँ आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपको बाकी सैर के लिए लेके चलती हूँ, ठीक है? वैसे भी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में क्या है, घर बैठे बैठे क्या हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, बोर होते हैं, तो आज मैं आपको क्या करूंगी, गार्डन की सैर करने के चलूंगी। लेकिन अभी हम लोग गार्डन की सैर के लिए जा तो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मैथ्स भी पढ़ सकते हैं ना। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रीज इन 5 रोज इफ देर आर 8 trees इन 1 रो? इसका मतलब हुआ एक कतार में 5 पेड़, तो 8 कतारों में कितने पेड़ होंगे? तो वहां पे हम कहां गए हैं, अभी गार्डन में गए हैं, तो गार्डन में क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं। अब पेड़ कैसे हैं, लाइन से लगे हुए हैं, एक 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 लाइन में है। अब हमें इसको काउंट करना है, तो अभी हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन, सो सेव आर टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ dog here. So, how many rows are there? यहाँ पर कितनी कतारें हैं? Let us count it. हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। चलो हम कितनी कतारें हम लोग काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5. How many rows are there? There are how many rows are there? कोई माइक अनम्यूट करके बताएगा बच्चों, how many rows are there? In this question, how many trees are in each row? हर कतार में कितने पेड़ हैं?
वो हम लोग काउंट करके देखते हैं, ठीक है? दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउ मेनी ट्रीज इन वन रो? देयर आर 8 ट्रीज. देयर आर 8 ट्रीज in each row, so we will write here 8. Very good, you are so smart. So here we doing a multiplication, so we put the sign of multiplication. Hum log kya karenge yahan par? Multiplication ki sign lagayenge. Abhi here table kaun sa padhna hai humko? 8 ka table, so we start use the 8 time tables. 40. आप लोग तो जवाब दे रहे हो कि एक कितने ट्रीज होंगे? 40. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 40. उर्दू में हम लोग इसे कैसे हल करेंगे कि पांच कतारें, कतारें कितनी हैं? पांच कतारें, और हर कतार में कितने पेड़ हैं? 8 पेड़ है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 8 को 5 से तरफ देंगे, तो जवाब हमारा क्या आएगा? 40. तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 कतारों में कुल 40 पेड़ होंगे. ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है आप लोगों से. बच्चों, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और बता सकते हो. अपने अपने घरों की दीवारों को कभी ऑब्जर्वेशन किया है कि आपकी दीवारों पर क्या नजर आता है आपको? कोई चीज लटकी हुई नजर आती है? कोई बताएगा मुझे? आप अपने घर की दीवार को देखते हो ना बच्चों? यस, वेरी गुड. तो आपको आपके घर की दीवार पे क्या क्या नजर आता है? आप क्या क्या लगाते हो घर की दीवार पर? सोचो जरा आप लोग. कैलेंडर, कैलेंडर और घड़ी. वेरी गुड. और तो वेरी गुड स्टूडेंट एकदम. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किस पर है? कैलेंडर पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर के मुताबिक है. सो आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ स्लाइड पे. ओके, here's the question. 7 days in 1 week, so how many days in 4 weeks? Agar ek hafte mein 7 din ho to 4 hafton mein kitne din honge? Abhi hum log ka next ye question kis par hai? Calendar pe hai. Abhi aap log sab log dekhte ho na calendar? So hum log calendar ka question solve karenge. Sabse pehle hum log kya karenge? We draw a box. First tell me how many weeks is given in this question. How many number of weeks are given in this question? इस सवाल में कितने वीक्स दिए गए हैं? इस सवाल में कितने वीक्स दिए गए हैं बच्चों? आप बताइए. देखो हम लोग ने सवाल पढ़े ना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 4 हफ्तों में कितने? 4 वीक्स, राइट? सो वी विल राइट हियर 4. हैव यू अंडरस्टूड ना? सो टेल मी स्टूडेंट, हाउ मेनी डेज इन 1 वीक? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज इन वन वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक. सेवन. वेरी गुड. सो वी विल राइट हियर 7. वी डूइंग द मल्टीप्लीकेशन. तो व्हाट वी डू? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट टोटल डेज. हाँ, ओके, राइट. वेरी गुड. हम लोग इसको कैसे करेंगे? हफ्ते. कितने हफ्ते दिए गए हैं यहाँ पर? 4 हफ्ते दिए गए हैं. और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. तो हम लोग ने क्या किए? 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए, मतलब ज़रब किए. तो हमारा जवाब क्या आया? 8 आया. तो एक हफ्ते में 7 दिन हो तो 4 हफ्तों में कुल 28 दिन होंगे. कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे. ये आपको समझ में आया ना बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ये हम लोग का क्या था? वर्ड प्रॉब्लम था. सो अभी हम लोग नया पढ़ेंगे. यहाँ पे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है जरब की खुसूसियात, जरब की खूबी. जैसे आप लोगों में खूबी होती है ना, जैसे किसी को ड्रॉइंग बनाने आता है,
किसी को पोयम पढ़ने आती है, किसी को क्राफ्ट बनाने बहुत अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी क्राफ्ट बनाने आता है, तो उसी तरह जरब की भी क्या होती है, खूबी होती है। और चिल्ड्रन नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टूड अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फॉर दैट लेट अस सी एन एग्जाम्पल। ये यहाँ पर क्या है, तीन तीन गोलियों के हिसाब से पांच ग्रुप दिए गए हैं, दैट मीन्स हियर इज अ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी मल्टीप्लाई 3 बाय 5 टू व्हाट वी गेट। हम लोग को क्या जवाब मिलेगा अगर हम लोग 3 को 5 से जरा देते हैं, 15 राइट। एंड लेट्स एंड 5 एंड व्हाट अबाउट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का वेरी गुड। अगर हम लोग 3 को 5 से जरब देते हैं या 5 को 3 से जरब देते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा, 15, दैट्स मीन्स 15। तो अभी हम इससे क्या पता चलता है, इट्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 15। तो आंसर क्या होगा इसका, 15। ये हम लोग ने सीखे इतना। तो ये चीज क्या है, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड कम्यून, मीन्स मूव अराउंड और अ ट्रैवल। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। हम लोग कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं एनी ऑर्डर, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 3, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स रिमेन द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 3 को 5 से जरब देते हैं या 5 को 3 से जरब देते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसकी जगह तब्दील कर दी, फिर भी क्या आएगा उसका आंसर, 15 आएगा। उसके बजाय अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। उसके अगर हम लोग उसकी इंटरचेंज करते हैं जगह को, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, सो आंसर रिमेन द सेम 8, तो हमको आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स इफ आई एम चेंजिंग दैट ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, मतलब हासिले जरब कभी भी तब्दील नहीं होगा। सो हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर इज चेंज। दैट्स मीन्स यहाँ पर हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को हमने मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी गेट द आंसर 6। हमको क्या आंसर मिला, यहाँ पर 6 मिला है। अभी हमने इसकी जगह तब्दील कर दी, 3 की जगह पे हमने 2 लिख दिया, 2 की जगह पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर भी आंसर क्या रहेगा, हासिले जरब सेम रहेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हासिले जरब क्या होगा, 6 होगा। दैट मींस कि इसका मतलब निकलता है कि मल्टीप्लीकेशन की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज। कि हासिले जरब जो होता है दो अददों का, वो क्या रहता है, वही आता है, सेम रहता है, अगर उसकी तरतीब भी क्या कर दी जाए, तब्दील कर दी जाए। दैट्स मीन्स क्या हुआ कि अगर हमने दो अददों की तरतीब को अगर चेंज भी कर दिया पर हासिले जरब क्या रहेगा, वही अदद रहेगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हियर व्हाट इज इट, हियर आर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट वी गेट। अगर हम लोग 6 को 5 से जरा देते हैं, 30 राइट, सो वी विल राइट हियर 30। दैट्स मींस अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर रिमेन सेम, सो प्रोडक्ट इज 30 राइट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, हियर इज द 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8, वी गेट द आंसर 24। यू आर सो स्मार्ट, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आपको तो पूरा आता है, मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। हाँ, सो आंसर इज 24, so we will write here 24। अभी हम लोग उसको उर्दू में कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, हे जरब
पांच, जैसमिन छह जरब पांच, उसका हासिले जरब कितना है? 30 है. अगर इसको हम लोग इसकी जगह चेंज करते हैं, पांच जरब छह, तब आंसर क्या आएगा? 30 आएगा. तो उसी तरह आठ जरब तीन है, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जरब देते हैं, तो उसका हासिले जरब क्या होगा? 24 होगा. और अगर उसकी जगह तब्दील करने के बाद भी अगर हम लोग उसको जरब करते हैं, जैसे आठ जरब तीन, तो उसका हासिले जरब क्या रहेगा? 24 रहेगा. इसका मतलब है कि ये जरब की एक खूबी है कि अगर हम लोग उसकी जगह तब्दील भी कर दें, तब भी क्या होता है, आंसर क्या रहता है हमारा? सेम आता है. इसके लिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते वक्त अगर हमें जो पहाड़ा याद है, अगर हम वो पहाड़ा पढ़ते, जैसे यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 6 का टेबल भी पढ़ सकते हैं और 5 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा सेम आएगा. हम लोग गलत नहीं रहेंगे और हमारा आंसर सेम आएगा और सही भी रहेगा. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. यहाँ तक आपको समझ में आया ना बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड. हियर द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. इसके पहले हम लोग ने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पर. जरूरी खसूसियात क्या है अभी हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे. हेयर हेयर इज द 2 + 2 + 2 + इज द सेम एज क्या होगा? 2 × 4 एंड आंसर इज आ 8. तो मतलब कैसा है, अगर हम लोग दो यानी क्या होता है? 2 × 4. जवाब हमारा हासिले जरब क्या आता है? 8 आता है. सिमिलरली 1 + 1 + 1 + इज द सेम एज 1 × 4 = 4. तो इसी तरह हमारा क्या होता है, अगर हम लोग 1 + 1 + 1 + 1 करते हैं, तो उसका हासिले जरब क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई बाय 4. 1 × 4 मतलब 1 को हम किससे जरब दे रहे हैं? 4 से जरब दे रहे हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. हियर इज द 0. 0 + 0 + 0 + 0 इज द सेम एज 0 × 4. So we get the 0. Here you all understood na? 0 × 4 which is equal to 0. मतलब यहाँ पर अगर हम लोग सिफर से किसी भी अदद को अगर जरब देते हैं, या फिर किसी भी अदद को सिफर से जरब देते हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा? सिफर आएगा. When we multiply 0 by any number or when we multiply any number by 0, the product is always 0. That means कि अगर हम लोग किसी भी अदद को सिफर से जरब की जाए, या फिर सिफर को किसी भी अदद से जरब किया जाए, तो उसका हासिले जरब क्या रहेगा? सिफर रहेगा. Have you understood ना? मतलब हम लोग कुछ भी करें उसका क्या रहेगा आंसर? सिफर रहेगा. सो हेयर कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन. सो हेयर 7 × 0 और 0 × 7, व्हाट वी गेट आंसर? 0, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन. व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 बाय एनी नंबर और व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. सो वी विल राइट हेयर 0. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेयर 8 × 0 और 0 × 8, what we get the answer? 0. So we will write here 0. That means कि अगर हम लोग 7 को सिफर से जरब दें या सिफर को 7 से जरब दें, आंसर क्या आता है हमारा? 0 आता है. इतना समझ में आया ना? So kids, now I will explain you the concept of multiplicand, multiplier and a product. Here the question is a 6 × 5. The product is a 30. So, the 6 हम लोग का in the multiplication, do you know what is called? It is called the multiplicand. इसको हम क्या कहते हैं? Multiplicand कहते हैं. हाँ, very good. और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मजरूब कहते हैं. ठीक है? हाँ, और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है. हम लोग कौन सा पहाड़ा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? 5. We read the table of 5. So 5 is a multiplier. 5 क्या है? मल्टीप्लायर है. तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मसरूब. मसरूब भी कहते हैं. जब हम लोग कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, हियर द क्वेश्चन इज अ 6 × 5.
the answer is a 30. So it is also known as the product. उसको हम क्या कहते हैं? हासिले सिरप कहते हैं. Similarly, अगर हम लोग इसको interchange करते हैं, like this, 5 multiplied by 6, the product is a 30. तो 5 क्या होगा हमारा? Multiplicant होगा. 5 क्या होगा हमारा? Multiplicant होगा. और 6 क्या होगा? Multiplier होगा. और 30 क्या होगा हमारा? Product होगा. क्यों? हाँ, that means क्या हुआ? That means multiplicant, multiplier and the product are the name of the place. ये क्या है? जगह का नाम है. मतलब इस जगह पर अगर कोई और नंबर आता है, जैसे हमने इंटरचेंज में क्या किया, 6 की जगह पे 5 रखा और 5 की जगह पे 6 रखा, पर उसका नाम भी चेंज हो गया. यहाँ पर 5 क्या है? मल्टीप्लायर है. यहाँ पर 5 क्या है? मल्टीप्लिकेंट है. क्यों है? क्योंकि वो क्या हो गई, इसकी जगह चेंज हो गई. दैट मीन्स मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड अ प्रोडक्ट आर द नेम ऑफ द प्लेस. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? So multiply the following. Here the 8 multiplied by 3. What we get the answer? 24. 24. Very good. So we will write here 24. And the next question, 6 multiplied by 4. What we get 24. Here? 24. Because 6 fours are 24. So we will write here 24. Okay. Here the next question, 5 multiplied by 4. So how many we get? 20. 5 fours are 20. So we will write here 20. Very good. Student, aap log to bahut acche se samajh gaye multiplication. So here the next example, 0 multiplied by 3. What we get? 0. So we will write here 0. Kyunki aapko pata hai na, ye property hai ki agar hum log cipher ko किसी भी अदद से जरब देते तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0, वी राइट हियर 0. सो वेरी गुड. एंड हियर द 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 0. सो वी विल राइट हियर 0. तो आप लोगों को ये लेसन समझ में आया ना आपको? यस मिस. डू यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क मी. अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने उस पर आपको ये व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो आपको ये क्या करना है, आपको ये होमवर्क अपनी बुक में करना है. और अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. पूछना है किसी को कुछ? कोई डाउट है?